गोरखपुर में दंपत्ति की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गुलरिया थाना अंतर्गत सरहरी चौकी क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या से आसपास के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि मृतक अनरजीत गुप्ता अपनी पत्नी रीमा गौड़ के साथ ठाकुरपुर में मकान बनवाकर बीते एक साल से रह रहा था। बताया जाता है कि दोनों ने शादी नहीं की थी और लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। मृतक अनरजीत गुप्ता पहले से ही शादीशुदा था। वहीं मृतक रीमा गौड़ की भी 3 शादियां हुई थी। फिलहाल मौके पर जिले के SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्रा सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्र ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों को इकट्ठा किया, साथ ही सभी बिंदुओं की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों मृतकों के परिजनों की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस जांच कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। आज सुबह यह सूचना मिली कि सरहरी चौकी क्षेत्र PS गुलरिया में ग्राम ठाकुरपुर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना पाने पर स्थानीय पुलिस और हम सभी द्वारा मौके पर जाकर छानबीन की गई। उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक अनरजीत गुप्ता पिछले 1 वर्ष से रीमा गौड़ नाम की एक महिला के साथ इस ठाकुरपुर एरिया में मकान बनवा करके रह रहे थे, जो कि इन दोनों की एक लिविंग रिलेशनशिप थी। अनरजीत की पहले से एक शादी हो चुकी थी, जो उनके माता पिता के साथ अपने 2 बेटों के साथ अभी भी रह रही हैं, उनकी बीवी। और रीमा गौड़ की यह 3री शादी थी। पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरे पति को छोड़ करके 1 वर्ष से वो अनरजीत के साथ इस बनाए हुए मकान में रह रही हैं। घटना के कारणों में अभी मोटिव का पता नहीं चल पाया है। मौके से सभी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं और पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। मौके से तहरीर भी दोनों लोगों के पिता लोगों ने दे दी है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।